नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको की। हम जानेंगे इस कंपनी के इतिहास, इसकी संपत्ति और इसके मालिकाना हक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरामको की कहानी 1933 में शुरू होती है, जब कैलिफोर्निया अरबियन स्टैंडर्ड ओनल कंपनी यानी कि CASOC और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत CASOC को सऊदी अरब में तेल खोजने का अधिकार मिला। शुरुआती वर्षों में कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन 1938 में दहरान के पास स्थित दमाम वेल नंबर 7 में पहली बार तेल मिला। इस खोज ने कंपनी की नींव को मजबूती प्रदान की। तेल की पहली खोज के बाद कंपनी ने तेजी से विकास किया। 1944 में कंपनी का नाम बदलकर अरामको अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी रख दिया गया। 1950 के दशक में अरामको ने कई नए तेल क्षेत्रों का विकास किया और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। 1970 के दशक में सऊदी सरकार ने अरामको को राष्ट्रीयकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। 1980 तक सऊदी सरकार ने पूरी तरह से अरामको का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और इसका नाम बदलकर सऊदी अरामको कर दिया। राष्ट्रीयकरण के बाद कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता और तकनीकी क्षमताओं को और भी बढ़ाया। आज सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। 2019 में कंपनी ने अपनी ऐतिहासिक IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी की, जिसके माध्यम से इसका मूल्यांकन $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यह IPO दुनिया का सबसे बड़ा IPO था और इसने वैश्विक शेयर बाजार पर बड़ा प्रभाव डाला। सऊदी अरामको सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कंपनी की आय और मुनाफा न केवल देश के विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता प्रदान करते हैं। कंपनी का राजस्व और लाभांश सऊदी सरकार के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद सऊदी अरामको पूरी तरह से सऊदी सरकार के स्वामित्व में है। कंपनी के सभी शेयर सऊदी सरकार के पास हैं, जिससे यह कंपनी राज्य की संपत्ति बन गई है। सऊदी अरामको का मालिकाना हक सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है। कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और CEO अमीन एच नासेर हैं, जो 1982 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में सऊदी अरामको ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं और अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया है। सऊदी अरामको ने अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना किया है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक मुद्दे और पर्यावरणीय चिंताएं कुछ प्रमुख चुनौतियां रही हैं, लेकिन कंपनी ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। भविष्य के लिए सऊदी अरामको ने अपनी योजनाओं में विविधीकरण और स्थिरता को शामिल किया है। कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता में कई महत्वपूर्ण पहले की हैं। सऊदी विजन 2030 के तहत कंपनी का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को तेल के परे विविधीकृत करना है। सऊदी अरामको की कहानी सफलता, संघर्ष और नवाचार की कहानी है। इस कंपनी ने न केवल तेल उद्योग में बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर जानना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ।